नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आज जबलपुर में तमाम विभाग प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्ट्रेट हॉल में हुई इस बैठक में सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री लखन घनघोरिया भी उपस्थित थे। करीब दो घंटे चली इस बैठक में जबलपुर जिले के अधूरे और रुके हुए प्रोजेक्ट में दोनों मंत्रियों ने अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर छवि भारद्वाज भी मौजूद रहीं। मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि जबलपुर को छिंदवाड़ा के जैसा विकासशील जिला बनाना है। इधर वित्त मंत्री तरुण भनोत ने भी वित्त को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले में बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा की गई किसान कर्ज माफी की घोषणा पर वित्त मंत्री का कहना था कि प्रदेश भर के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया गया है। लंबित योजनाओं की क्या स्थिति और कौन सी योजना जनता के हित में है या अन्यथा नहीं, उन्हें सब पे चिंतन। तो ये बैठक की आज अधिकारियों के पर्चे हुआ और योजनाओं को भी डिस्कशन हुआ, कहाँ अराजक स्थिति थी योजनाओं को लेकर और कहाँ भ्रामक स्थिति बनी, उस पर सबके चर्चा हुई है। और हाँ जी, अब ये निरंतर जारी रहेगी। जबलपुर का विकास बिल्कुल छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पे हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध। सम्माननीय अधिकारियों के साथ बैठे थे, उनसे चर्चा की कि जबलपुर के जो लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं हैं उनको हम कैसे पूरी करें, उसके लिए बेहतर प्लानिंग करें। शासकीय स्तर पर, शासन के स्तर पर जो जो दिखते हैं बाधाएं हैं, जहां जहां वित्तीय संकट था, जहां प्रॉब्लम्स हैं, वो हम सॉल्व करें। कैसे किसानों का कर्ज माफ होगा? हम तो कर दिया हमने माफ, आप पूछ रहे कैसे होगा? हमने तो किसानों को बोल दिया आपका 2 लाख तक का कर्जा माफ। वहीं इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर वित्त मंत्री तरुण भनोट और सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि देश के विकास का मॉडल बनेगा एमपी, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं हम जबलपुर के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। संस्कार धानी की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद हमें दिया है, उससे हमारा सेवा का संकल्प और बड़ा है। जबलपुर का सुनियोजित विकास नहीं हुआ है, उसकी उपेक्षा की गई है। ऐसा अब किसी भी कीमत में नहीं होने दिया जाएगा। गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम सबको साथ में लेकर हर कार्य करना चाहते हैं जो समाज को प्रभावित करे, जो हमारे शहर को प्रभावित करे और हमारे प्रदेश को प्रभावित करे। अगर उनको आने में कोई संकोच है हम उससे ये भी कहना चाहते हैं, आप बता दीजिए, उड़ जावे तो हम 4 कदम चलकर आपके पास खुद आ जाएंगे और आपसे मिलकर पूछ लेंगे। कुछ करना है ना, अगर संस्कार लाने के विकास में हमें मिलेगा तो हमें उस बात की बहुत बहुत खुशी होगी। पश्चिम मध्य रेलवे के आरपीएफ थाने ने कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को जब्त किया। प्लेटफार्म के बाहर बेतरतीब खड़े वाहनों को लेकर अक्सर शिकायत मिलने से आज अधिकारियों और उनके स्टाफ ने प्लेटफार्म नंबर 6 और 1 के बाहर नो पार्किंग जोन में खड़े पाए गए वाहनों को जब्त कर उन पर कार्रवाई की। इस दौरान नो पार्किंग जोन में 4 कारों और 2 मोटरसाइकिल पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रकरण बनाते हुए न्यायालय में प्रस्तुत भी किया गया। रेलवे एक्ट नो पार्किंग एरिया CA1 CA6 में अधिकारियों द्वारा और स्टाफ द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें 6 गाड़ी बंद किए गए। इसमें 4 4-व्हीलर हैं और बाकी 2-व्हीलर हैं। और हिदायतें दी गई हैं कि यहां पर जो क्या गाड़ियां न खड़ी करें, बराबर पार्किंग में जाके खड़ी करें। नो पार्किंग खड़ी रहेगी, कार्रवाई विधिवत चालू रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब देखते रहिए MSTV। नमस्कार।